हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल वाइब्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। लेकिन मैं आपसे आपकी तबीयत ज़रूर पूछ रही हूँ, लेकिन मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो रही है और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। बीच में तो मेरी आवाज़ भी 2-3 दिनों के लिए चली गई थी। आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ और पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है अपने किचन के लिए, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है। गाइस, आप देख सकते हैं जो पहली आइटम मेरे पास है वो है ये छोटे छोटे साइज़ की चटनी बोल्स। ये मैं लोकल मार्केट से लेके आई हूँ और देखिए ये कितनी छोटी है, येट ये कितनी क्यूट है। और आपको हो सकता है कि वीडियो में ये ऑरेंज टाइप की कलर लग रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल पीच कलर की है और ये सेरामिक की है। और इनका जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़ पर पीस। तो मैंने वहाँ से 6 पीसेस उठा लिए थे तो मुझे ये पड़े 120 रुपीज़ के। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर है। अगर हम किसी भी प्लेन प्लेट में इन्हें रखेंगे और लोगों को सर्व करेंगे चटनी के साथ तो आई गेस लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अपना नेक्स्ट आइटम भी दिखाती हूँ, वो भी है सेरामिक के ही ये छोटे छोटे कप्स। ये देखिए, यहाँ पे मैं 5 कप्स लेके आई हूँ। ये है ब्लैक, पीच, ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर। ये 5 कलर के छोटे छोटे कप्स है। ये देखिए कितने क्यूट है, कितने छोटे छोटे हैं। और ये भी मुझे पड़े पर पीस 20 रुपीज़। ऐसे भी मैं 5 पीसेस लेके आई हूँ। वैसे तो मैं इन सारे कप्स में चाय पीऊँगी नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और ये दोबारा मुझे मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए जब मैं अपना टी कॉफ़ी स्टेशन सेट करूँगी तो उसके सामने मैं इसे सजाऊँगी ज़रूर। तो ये कप्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे तो इसलिए मैंने इन्हें ले लिए। तो उसके बाद मैं आपको और एक सेरामिक आइटम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी है एक सेरामिक का ऑयल बॉटल। ये देखिए, ये है ब्लैक कलर में और इसके साइड में गोल्डन कलर से ऐसे मार्बल टाइप के डिज़ाइन किए गए हैं। और ये है एक वुडन इसका ढक्कन, ये देखिए। और ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से। ये एक ऑयल बॉटल है और इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़। 250 रुपये की बॉटल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। आप देख सकते हैं इसको अगर हम लोग कहीं भी सजाएंगे, किचन में रखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना क्यूट। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और एक आइटम। ये देखिए, ये छोटी सी एक है सॉल्ट पॉट। ये देखिए, ये मेलामाइन की है, वाइट कलर और साथ ही गोल्डन कलर का इस पर काम किया गया है। ये छोटी सी स्पून भी दी गई है और इस पर भी गोल्डन कलर की काम है। ये देखिए कितनी क्यूट है। ये भी मैं लेके आई हूँ लोकल मार्केट से और इसकी प्राइस है सिर्फ 30 रुपीज़। देखिए, है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट। उसके बाद अभी मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट सी चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले आप इस स्पैचुला को देखिए कितना क्यूट है ना। ये मैं लेके आई हूँ लोकल मार्केट से ऐसे ही सजाने के लिए, या फिर अगर मेरा मन करेगा तो मैं इससे कुछ चीज़ उठा भी सकती हूँ, जस्ट लाइक ऑमलेट या पोच या कुछ भी। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी 40 रुपीज़ की। उसके साथ फिर मैं ये एक बटर नाइफ या बटर स्पून कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इससे हम बटर लगा सकते हैं, ये लेके आई हूँ। ये भी मुझे पड़ी है 40 रुपीज़ की। ये देखिए, उसके बाद फिर मैं ये लेके आई हूँ। ये एक स्पून है जिससे हम लोग घी वगैरह तेल ये सब निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे किसी सेरामिक के जार में अगर मैं इसे भर के रखूँगी तो कितना अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है, ये देखिए। और ये मुझे पड़ी 30 रुपीज़ की। ये भी मैं लोकल मार्केट से ही लाई हूँ। ये देखिए, छोटा सा विस्क, आपको कैसा लगा? आई गेस आप में से बहुत लोगों ने इतना छोटा विस्क तो देखा ही नहीं होगा। ये जब मैं अपना टी कॉफ़ी स्टेशन सेट करूँगी उसके साइड में मैं इसे ज़रूर सजाऊँगी, उसके लिए मैंने इसे लिया है। और ये मुझे पड़ा 30 रुपीज़ का। कितना क्यूट है ना। और उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हैं, ये है एक फिंगर गार्ड। इसे हम ऐसे हाथ पे घुसाएंगे, पीछे की तरफ ऐसा है, ऐसे उंगली में डालेंगे,
और उसके बाद फिर अगर हम लोग चॉपिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये हमारे फिंगर्स को कटने से बचाएगा। सो ये वन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टर है हमारे हाथों के लिए, हमारे फिंगर्स के लिए। तो ये मैंने अमेजोन से लिया है और ये मुझे पड़ा 150 रुपीज़ का। तो इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया है। ये देखिए, ये मैंने कुछ कैंडी जार्स लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम डिज़ाइन के हैं और ये अलग डिज़ाइन का है। इसकी जो प्राइस है, ये इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, और इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़। ये देखिए, और ये दोनों जो है, इन दोनों की प्राइस है 200 रुपीज़ ईच। ये देखिए, इसे भी मैं अगर अपने किचन में सजाऊंगी, सपोज़ ग्रीन टी वगैरह कुछ रखूंगी इसके अंदर, तो कितना अच्छा लगेगा। ये जो सारे जार्स हैं, इनके बाहर में ऐसा क्रिस्टल टाइप का डिज़ाइन किया गया है, कटिंग की गई है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बनाती है। तो ये दोनों सेम डिज़ाइन के हैं, और ये मैंने एक अलग डिज़ाइन का लिया है। इसमें अगर आप चाहे तो आप ग्रीन टी रख सकते हैं, शुगर क्यूब्स रख सकते हैं, कैंडी रख सकते हैं, कॉफ़ी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। और ये दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, 200 ईच, और ये है 250 रुपीज़। ओके, देन व्हाट एल्स आई हैव, ओके, ये देखिए, ये है हार्मनी जार्स। इनका नाम है हार्मनी जार। ये देखिए, ऐसे ये पैकेट में आता है और उसके अंदर से कुछ ऐसे निकलता है। ये इसमें लीड दिया गया है, ये देखिए, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 320 ml ईच बॉटल। ये अगर आप चाहे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, दिवाली में हम लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, दुर्गा पूजा आ रही है, हम दुर्गा पूजा में, दशमी में भी लोगों को गिफ्ट्स देते हैं रिलेटिव्स को, तो वहाँ पे भी आप ऐसी चीज़ें दे सकती हैं। अगर आप ऐसा चीज़ देंगे तो आप जिनको दे रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो ये दोनों हार्मनी जार्स है, इनकी प्राइस है 215 रुपीज़। ये पैक ऑफ टू, सॉरी, ये सेट ऑफ टू है और ये पैक ऑफ टू भी है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट क्या लेके आई हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये लीव। ये एक प्लेट है, इसमें आप पकौड़े, समोसे या कुछ भी अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये भी ग्लास का है और काफ़ी हैवी है। ये देखिए, इसकी थिकनेस काफ़ी है, तो ये काफ़ी हैवी है, और इसमें पीछे से ऐसा उठा उठा हुआ डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं दुर्गा पूजा में, दिवाली में, या किसी के बर्थडे में, हाउस वार्मिंग में, उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। ये भी मैं लोकल मार्केट से लेके आई हूँ, और इसकी जो प्राइस है वो है पर पीस 160 रुपीज़। देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट है, ऐसी ही मैं दो पीसेस लेके आई हूँ। उसके बाद जो मेरे पास और एक आइटम है वो है, ये देखिए, ये छोटे छोटे से प्लांटर्स। ये देखिए, ये प्लांटर्स भी मैं किचन के लिए लेके आई हूँ। किचन में जैसे हम लोग तुलसी वगैरह कुछ भी लगाते हैं, या छोटा सा एक गार्लिक का प्लांट लगाना चाहते हैं, स्प्रिंग अनियन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी साइज़ है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, और ये है पर पीस 30 रुपीज़। ऐसा मैं दो लेके आई हूँ लोकल मार्केट से। ये देखिए, इसमें जो थोड़ी बड़ी साइज़ की प्लांट है आप उसे लगा सकते हैं। और ये स्पेशली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। ये देखिए, ये है पर पीस 20 रुपीज़, और इसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा के अपने विंडो में सजा सकते हैं, जिससे आपका विंडो भी बहुत सुंदर लगेगा, एज वेल एज़ ये किचन गार्डन बनाने में भी आपकी मदद करेगा।
सो आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको फैशन रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल सॉलिटेयर एंड सफायर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ मैं फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, आई गेस आपको देख के अच्छा लगेगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।